सबसे पहले यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखा दूं, मैं ये वाला मांग टीका लगाने वाली हूँ। हाय गाइस, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रांशी माखी जानी गाइस आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हेयर स्टाइल जो कि आप कर सकते हो फेस्टिव पे। और जैसे कि आप सबको पता है गाइस, दिवाली जैसा फेस्टिवल आ रहा है, तो मैं आपको कुछ हेयर स्टाइल दिखाऊंगी जो आप ट्राई कर सकते हो दिवाली पे। बट दिस टाइम मैंने कुछ ऐसी हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए सर्च की जो कि बहुत इजीली हो जाए और आप उसमें थोड़ी सी एसेसरी, जैसे कि दिवाली जैसा फेस्टिवल है तो मांग टीका और थोड़ा सा गजरा वगैरह ऐड करके आप उसको बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं, बहुत इजी हेयर स्टाइल को बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वाला मांग टीका लगाने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस, इसी तरह मांग टिक्का ऐड करने से एक फेस्टिव लुक क्रिएट हो जाता है थोड़ी सी एसेसरी ऐड करने में। तो चलिए गाइस, इसको मैं फिक्स कर देती हूँ। तो गाइस, टू वे टेप से आप अपने मांग टिक्का को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा मांग टिक्का ऐसे ऐसे होता रहता है तो मांग टीका मूव कर जाता है। तो मैं इस तरह से टू वे का पीस लूंगी एंड देन इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। तो आप देखोगे गाइस, मेरा मांग टीका बिल्कुल ही नहीं मूव करेगा। मैं चाहे डांस करूं, मैं चाहे यहां से वहां भागूं, क्योंकि दिवाली में क्या होता है, हम लोगों को पूजा की तैयारी करनी होती है, पूजा करनी होती है, यहां से वहां हम लोग भागते भी रहते हैं और साथ में रेडी होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप मांग टीका लगा दोगे, फिक्स कर दोगे उसको, तो आपको मांग टीके की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि बार बार देखना नहीं पड़ेगा आपको कि मेरा मांग टीका यहाँ से वहां तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे गाइस मेरा लुक यही है, एक साइड हेयर को मैंने यहाँ पे क्लिप लगा के टाइट पैक कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक साइड अपने हेयर को इसी तरह से छोड़ दिया है, नीचे से थोड़े से मैंने कर्ल्स कर दिए हैं एंड एक मांग टीका लगा दिया है, दैट्स इट। तो इस तरह से मेरा लुक क्रिएट हो गया फेस्टिव लुक। तो गाइस, ये था मेरा लुक नंबर वन। और सेकेंड लुक में मैं कुछ नहीं करूंगी, बस ये वाले हेयर में ही मांग टीका मैं रिमूव नहीं करूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लूंगी। तो गाइस, अगर आपको मिडिल पार्टीशन नहीं ज्यादा पसंद है, आप हमेशा साइड पार्टिंग ही करते हो, तो इस तरह से मांग टीका लगा के आप साइड पार्ट भी कर सकते हो। ये मेरा सेकंड हेयर स्टाइल नहीं है, बट क्योंकि मैं अब अपना अपने सेकंड हेयर स्टाइल के बिगनिंग में हूं, तो ये मैंने सोचा आपको एक लुक बता दूं। तो गाइस, इस तरह से आप पीछे से बन बना सकते हैं एंड साइड पार्टीशन करके और सिर्फ एक मांग टीका लगा के आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो गाइस, आप पीछे हेयर में गजरा लगा सकते हो, या आर्टिफिशियल गजरे भी मिलते हैं वो लगा सकते हो, या फिर अगर आपको गजरा नहीं पसंद है तो आप व्हाइट लिली भी लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेश सा लुक क्रिएट हो जाता है फ्लावर्स लगाने से।
गाइस ये था मेरा सेकंड लुक। मैंने ये जो बन क्रिएट की है यू पिन लगा क्रिएट की है और बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिएट की है। बस सारे हेयर्स को लेके मैंने घुमा दिया है। अगर आपके हेयर ऐसे हैं, बहुत ज्यादा फॉलिंग हेयर हैं आपके, गिरते रहते हैं, बहुत सिल्की हेयर है, तो आप यहाँ पे एक पोनीटेल बना के देन आप उसको राउंड करके यू पिन लगा सकते हो। सिंपली आप ये वाला बन क्रिएट कर सकते हो। इसमें कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट यही है बस कि मांग टीका लगाना है एंड आप कोई भी फ्लावर जैसे मैंने आपको बताया लगा सकते हो, तो उससे बहुत ही एक अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। चलते हैं थर्ड लुक की तरफ। तो थर्ड लुक में गाइस मैंने यहाँ पे अपनी मिडिल पार्टिंग कर ली है, देन मैं यहाँ से हेयर लेके उनको ट्विस्ट करती जाऊंगी एंड देन पीछे जाके उसको क्लिप कर दूंगी। ये वाले हेयर स्टाइल आप अगर ट्राई करो पोनी वाली, तो मेक श्योर करें कि आप अपने हेयर में नीचे से इस तरह से कर्ल्स डाल दें थोड़े से, सो गाइज आपको अगर ये हेयर स्टाइल से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइज। प्लीज हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो मैं आपसे मिलूंगी गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।